12 के सिलेबस में हमारा डे 162 में और रिओप्टिक्स चल रही है, जिसमें नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है दूरदर्शी। सूक्ष्मदर्शी हमने कर लिया, दो प्रकार के थे, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अब कर रहे हैं नेक्स्ट दूरदर्शी। दूरदर्शी क्या है? दूरदर्शी दूर की स्थित वस्तुओं को देखने में जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसको दूरदर्शी कहते हैं। इसके नाम से ही पता है, कोई खास बात नहीं है। दूरदर्शी जो अत्यधिक दूरी पर स्थित वस्तुओं को हमें नजदीक दिखाई दे। दूरी से हम जब देखते हैं तो बिल्कुल छोटी छोटी दिखाई देती है, बिल्कुल छोटी। और जब दूरदर्शी से देखते हैं तो वही वस्तु हमें नजदीक दिखाई देती है और बड़ी दिखाई देती है, उसका प्रतिबिंब हमें बड़ा दिखाई देता है। तो दूरदर्शी का जो उपयोग है दूर की वस्तुओं को देखने में किया जाता है। नॉर्मली दो प्रकार की दूरदर्शी होती है, जो किसके आधार पे गए, घटनाओं के आधार पर अगर गए कि जो प्रकाशीय घटना है उसके आधार पे गए तो दो प्रकार की दूरदर्शी होती है। एक होती है अपवर्ती दूरदर्शी और दूसरी होती है परावर्ती दूरदर्शी। परावर्ती अपवर्ती का मतलब पता है, परावर्ती का मतलब इनके नाम से ही पता है, परावर्ती और अपवर्ती। अपवर्ती मतलब जिसमें केवल अपवर्तन की घटनाएं होती है, लेंस का ही यूज किया जाता है इनके अंदर, ऐसी दूरदर्शी अपवर्ती दूरदर्शी कहलाती है। परावर्ती दूरदर्शी जिसमें दर्पण का भी प्रयोग किया जाता है, यानी परावर्तन की घटना होती है उनमें दूरदर्शी में, उसको परावर्ती दूरदर्शी कहते हैं। अब इनके भी आगे प्रकार हैं, जो बोर्ड एग्जाम पूछ जाते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण भाग है ये भी, बड़े क्वेश्चन के लिए। जो हम ऑप्टिक्स में बड़े क्वेश्चन की बात करते हैं, ये पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो इसी से पूछा जाता है। और उसके लिए हमने काफी बात कर ली पिछले 3-4 टॉपिक में कि बड़े क्वेश्चन कौन कौन से महत्वपूर्ण है। उनमें से अब लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। लास्ट जो क्वेश्चन है वो अब जो हम पढ़ेंगे वो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे उनके हिसाब से देखे तो। पहले प्रकारों की बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे आगे। अपवर्ती दूरदर्शी जो है वो भी आगे दो प्रकार की होती है। परावर्ती दूरदर्शी है ये भी आगे दो प्रकार की होती है। पहले तो हमें इनके प्रकार पता हो, फिर हम बात करेंगे आगे कि क्या किस प्रकार से इनकी कंस्ट्रक्शन होती है और किस प्रकार से इनमें इमेज वर्किंग होती है। अब देखो ये छोटे जो क्वेश्चन बनते हैं उनमें किसी प्रकार से पूछ लिया जाता है कि ये दूरदर्शी किस प्रकार की, अपवर्ती है या परावर्ती है। अपरावर्ती दूरदर्शी के उदाहरण लिखो, अपवर्ती दूरदर्शी कितने प्रकार की होती है नाम लिखो। तो अपवर्ती दूरदर्शी इसमें दो तरह की रहती है, एक होती है खगोलीय दूरदर्शी, खगोलीय एस्ट्रोनॉमिकल कहते हैं इसको, खगोलीय खगोलीय दूरदर्शी। दूसरी होती है पार्थिव को कहते हैं स्थलीय दूरदर्शी। डेफिनेशन वगैरह इनकी नहीं पूछी जाती है ज्यादातर, बट क्योंकि इनके नाम से ये सारी परिभाषाएं, दूरदर्शी क्या है, दूर की वस्तु को देखने में जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं, कितने प्रकार की होती है, अपवर्ती परावर्ती, अपवर्ती क्या होती है जिसको अपवर्तनीय घटना पर आधारित होती है जिसमें लेंस का यूज किया जाता है, परावर्ती जिसमें परावर्तन की घटना भी होती है इसमें दर्पण का यूज किया जाता है, और फिर आते हैं खगोलीय। खगोलीय दूरदर्शी क्या होती है? ऐसी दूरदर्शी जिसका उपयोग जो है वो दूर स्थित ग्रह, चंद्रमा इनको देखने में किया जाता है, उसे कहते हैं खगोलीय दूरदर्शी। इसका जो प्रतिबिंब होता है वो उल्टा बनता है और आभासी बनता है। इसके लिए कोई ग्रह, चंद्रमा इनको देखने में जिनका उपयोग किया जाता है जिस दूरदर्शी का, उसे कहते हैं खगोलीय दूरदर्शी। इसलिए इनको खगोलीय वस्तु भी कहते हैं, खगोलीय खगोलीय वस्तु। चंद्रमा ग्रह आदि इनको देखने में जिसका प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं खगोलीय दूरदर्शी। इसका जो प्रतिबिंब उल्टा और आभासी होता है। अब उल्टा और आभासी होता है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है देखने पर, यानी कोई वस्तु सीधी दिखाई दे रही है और उल्टी दिखाई दे रही है, उल्टी दिखाई दे रही है तो वस्तु की जो संरचना है वो समझ में नहीं आएगी। लेकिन यहां इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहां
यानी कोई हम वस्तु पेड़ देख रहे हैं, पेड़ अगर हमें उल्टा दिखाई दे रहे हैं तो वो हमें समझ में इतना क्लियर नहीं आता है। लेकिन यहाँ इस बात का फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि खगोलीय जो पिंड है मोस्टली कैसे हैं, कैसे हैं, गोलाकार है। अब बॉल है वो सीधी दिखेगी तो भी गोल दिखेगी और उल्टी दिखेगी तो भी गोल दिखेगी, इसलिए इस बात का प्रेक्षणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, प्रतिबिंब उल्टा पड़ता है तो इसका मतलब ये नहीं समझ में नहीं आएगा, तो भी समझ में आएगा। अब ये गोल है, अगर ये इस तरह से सीधा प्रतिबिंब बन रहा है तो भी ऐसी दिखाई देगी, उल्टा बन रहा है तो भी ऐसी। तो इसमें ये भी क्वेश्चन बनता है कि खगोलीय दूरदर्शी में उल्टा प्रतिबिंब बनता है, इसका प्रेक्षण पर क्या विपरीत प्रभाव पड़ता है? तो इस पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रेक्षण का मतलब ऑब्जर्वेशन जो हम देख रहे हैं वो हमें वैसा ही समझ में आएगा जैसा नॉर्मल आता है, वैसे ही समझ में आएगा। क्यों समझ में आएगा? क्योंकि कारण क्या लिखोगे, खगोलीय पिंड जो है वो लगभग गोलाकार आकृति के होते हैं, इसलिए प्रेक्षण पर इसका उल्टे प्रतिबिंब बनने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी बात आती है पार्थिव, इसको कहते हैं दूसरा नाम स्थलीय, इससे याद रह जाएगा। स्थलीय का मतलब जो स्थल पे स्थित है, स्थल का मतलब धरती पे धरातल पे जो वस्तुएं स्थित है उनको देखने के लिए जिस दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं पार्थिव दूरदर्शी। जैसे बहुत दूर कोई पेड़ है, कोई घर है, कोई पहाड़ है, इनको अगर देखना है तो नॉर्मली टूरिस्ट जो जाते हैं घूमने के लिए तो उनको ऐसी दूरदर्शी का इसका यूज करते हैं। ऐसी दूरदर्शी का क्या कहलाती है? पार्थिव दूरदर्शी या स्थलीय दूरदर्शी कहलाती है। अब बात करते हैं इसका प्रतिबिंब कैसा पड़ता है। तो इसका प्रतिबिंब जो है वो सीधा पड़ता है, क्योंकि अगर यहाँ उल्टा पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी। सीधा पड़ता है और साथ में क्या होता है, वो आभासी होता है। तो अगर कोई घर उल्टा दिख रहा है तो वो बिल्कुल ही हमें समझ में नहीं आएगा प्रतिबिंब। इसलिए यहाँ इस दूरदर्शी की क्या विशेषता है, इसे प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है और आभासी बनता है। तो इसमें जो ध्यान रखने वाली बातें हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, कंपटीशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, तो अपवर्ती अगर ये पूछते हैं खगोलीय दूरदर्शी किस प्रकार की दूरदर्शी है, किस प्रकार की है? अपवर्ती दूरदर्शी है। पार्थिव दूरदर्शी या स्थलीय दूरदर्शी किस प्रकार की है? अपवर्ती दूरदर्शी है। खगोलीय दूरदर्शी में प्रतिबिंब कैसा बनता है? ऐसे लिखें, उल्टा व्यवस्थित, सीधा व्यवस्थित, उल्टा व्यवस्थित, सीधा व्यवस्थित। तो अपने को दोनों बातें पता होनी चाहिए, कैसा बनता है? उल्टा बनता है और आभासी बनता है। प्रतिबिंब दोनों में आभासी बनते हैं, लेकिन इसमें उल्टा बनता है और इसमें सीधा बनता है। सिंपल हमें पता है कि जिन वस्तुओं को हम जमीन पर देखते हैं उनको हमें वो सही सीधी दिखाई देंगी, जैसी है वैसी दिखाई देंगी, तो हम उसको सही तरीके से समझ पाएंगे। इसलिए आपको ये वैसे ध्यान रह जाएगा कि जमीन पे जो वस्तुएं हैं वो हमें सारी वैसी दिखाई देती है जैसी है, नजदीक दिखाई देती है, बड़ी दिखाई देती है, जो बहुत दूरी पर स्थित होती है, लेकिन प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा? सीधा बनता है। खगोलीय जो पिंड है उनको देखने के लिए दूरदर्शी खगोलीय यूज होती है, उसके लिए जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है, लेकिन प्रेक्षण पे कोई उसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं परावर्ती, इसमें दर्पण लगा होता है, परावर्तन की घटना पर आधारित होती है परावर्ती दूरदर्शी कहलाती है। ये भी इसके आगे ये भी दो प्रकार की होती है, एक होती है केसी ग्रेनियम, ये दोनों ही साइंटिस्ट के नाम पर है। एक होती है न्यूटोनियन, न्यूटोनियन का मतलब न्यूटन ने जो बढ़ाई, केसी ग्रेनियन दूरदर्शी, और ये है न्यूटोनियन दूरदर्शी। अब इनके बारे में हम सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। खगोलीय दूरदर्शी का डेरिवेशन, इसकी बनावट, वर्किंग जो है वो इम्पोर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम, इस बात को जरूर आप ध्यान रखें। और ये भी कह सकते हैं कि इस चैप्टर का जो बोर्ड एग्जाम के लिए बड़े क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये लास्ट टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो ये तो शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है, कभी बार पूछते हैं तो पूछा जा चुका एक बार, परावर्ती दूरदर्शी क्या है, दूरदर्शी को परिभाषित करो और कैसी ग्रेनियम दूरदर्शी की बनावट बताइए, इस तरह से पूछ लेते हैं, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण जो है, ज्यादा पूछा जाता है जो क्वेश्चन, वो ये क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन में पूछा जाता है, खगोलीय दूरदर्शी। तो नेक्स्ट क्लास में, इसी में अभी पूरा नहीं होगा, काफी बड़ी क्लास हो जाएगी, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको पूरा डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे
कि खगोलीय दूरदर्शी की बात तो हमने कर ली, तो आप यहां से लिख लें शॉर्ट में क्या खगोलीय दूरदर्शी है क्या और प्रतिबिंब कैसा बनता है। और एक बात ये भी लिख लें, उल्टा प्रतिबिंब बनने का प्रेक्षणों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि खगोलीय जो पिंड है वो सारे गोलाकार आकृति के कारण भी लिखे। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे खगोलीय दूरदर्शी।